नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज मैं सोलर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। मैंने बहुत सारी यूजफुल चीजें आपके लिए बताई है। मैं बात करूं 1995 की, जब पेजर आया था तो हम टेक्नोलॉजी से अपडेट होते गए, हमारे पास पेजर आया। देन फिर मैं बात करूं मोबाइल फोन्स की, जब मोबाइल फोन्स आए तो कीपैड वाले मोबाइल फोन आए, सबने कीपैड वाले मोबाइल फोन लिए। फिर टच स्क्रीन का ट्रेंड आया तो टच स्क्रीन के मोबाइल फोन आज हम सभी के पास हैं। 3G आया, 4G आया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई। वैसे ही मैं बात करूं सोलर में भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रही। अगर मैं बात करूं 2014 की, जो सोलर मॉड्यूल मैक्सिमम साइज रेटिंग का आता था वो 240, 235, 250 वॉट पीक के मॉड्यूल्स आए। 2016 की बात करूं, 2016-17 में मैंने लातूर में एक प्लांट लगाया था 50 किलोवाट का, अंबे जोगी डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे जो मॉड्यूल मैक्सिमम रेटिंग का था वो 250 वॉट पीक का था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई। मोनो आया, मोनो के बाद मोनो पर्क आए, मोनो पर्क हाफ कट सेल्स आई, बाइफेशियल मॉड्यूल आए। धीरे धीरे मॉड्यूल बढ़ते गए, रेटिंग बढ़ती गई। आज जो मॉड्यूल 250 वॉट पीक का हम यूज करते थे, आज की डेट में मोर देन 500 वॉट पीक के भी सोलर पीवी मॉड्यूल आ चुके हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है। बट क्या आप अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड कर रहे हैं? आपने इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी पे तो काफी किया, लेकिन क्या आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया? जैसा कि आप सभी जानते हैं, भोपाल बेस्ड हमारा सोलर का प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम स्टार्टअप्स को ट्रेन करते हैं कि आपको सोलर इंडस्ट्री में काम कैसे करना है। प्रोफेशनल नॉलेज के साथ आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप उस इंडस्ट्री में काफी ग्रो कर सकते हैं। अराउंड मोर देन 300 स्टार्टअप्स को हम ट्रेन कर चुके हैं, जिनको हम पूरी प्रोफेशनल, भोपाल में हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसी दौरान मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के कॉल आने लगे कि सर, एक 3D मॉडलिंग आजकल हम कंपटीशन में देख रहे हैं, जहां पे भी हम कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर हमसे 3D लेआउट मांगता है। जैसे कि आप अपने घर को डिजाइन कराते हैं, अपने आर्किटेक्ट से बोलते हैं तो आर्किटेक्ट आपको एक 3D लेआउट बना के देता है, जिसमें आप एक रियल लाइफ फील कर सकते हैं कि आपका बेडरूम कहाँ पे होगा, आपका बैल्कनीज कहाँ पे होगी, टेरेस कहाँ पे होगा, कहाँ से एंट्री होगी, कार पार्किंग कहाँ होगी, गार्डन कहाँ पे होंगे, सब चीजें आपको वो एक वीडियो में बताते हैं। वैसे मेरे स्टूडेंट्स के कॉल है कि सर, क्या हम सोलर इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ बता सकते हैं? जब हम किसी कस्टमर के यहाँ पे जाते हैं उनके घर पे सोलर प्लांट लगाने के लिए, वो बोलते हैं यार मेरे घर का एलिवेशन कैसा रहेगा, मेरा घर प्लांट लगने के बाद कैसा दिखेगा, आप प्लांट कितने एरिया में लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे, कहीं मेरे प्लांट पे शेडो तो नहीं आएगी, मुझे कुछ आप 3D एनिमेशन करके बताइए। या आप इंडस्ट्री, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस में कहीं पे भी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप मेरी फैक्ट्री में तो लगा रहे हो प्लांट, लेकिन प्लांट कैसा दिखेगा, वॉकवे कहाँ पे होगा, मैं मॉड्यूल की क्लीनिंग कैसे करूंगा, आप बताइए। कुछ लोग केवल बताते हैं कि हाँ सर, आराम से हो जाएगी, कॉन्फिडेंटली आप बता देते हैं उनको, लेकिन बहुत बार आपके हाथ से प्रोजेक्ट चला जाता है, क्योंकि कस्टमर के पास उसकी साइट का 3D लेआउट आता है, 3D मॉडलिंग आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि मेरा प्लांट ऐसा लगेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये 3D मॉडलिंग है। ऐसा हम अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट करते हैं कि सर, आपको अपने घर पे, आपको अपने इंडस्ट्रीज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल, कॉलेजेस में प्लांट लगाना है तो प्लांट का लेआउट ऐसा दिखेगा आपको लगने के बाद। इसके फायदे क्या है? सबसे पहली चीज, आपकी विजिबिलिटी बनेगी। सेकेंडली, जो चीज हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में काफी देर तक स्टोर होती है। सेकेंडली, आप जब कंपटीशन में जाएंगे, अगर आपके कॉम्पिटिटर ने एक 3D लेआउट नहीं दिया है, लेकिन अगर आप वहां पे 3D लेआउट सबमिट करेंगे तो वो आप कंपटीशन से आगे आ जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाएगी। जैसे आपको पता है कॉम्पिटिशन काफी बढ़ता जा रहा है, लोग बाग पैसों में जाते हैं, 1 रुपए कम वॉट मेरे से ले लो, 2 रुपए कम वॉट मेरे से ले लो, 5 रुपए कम वॉट मेरे से ले लो, ये चैलेंजेस मेरे साथ भी आते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का काम करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, तो आप अपनी नॉलेज पे बूस्ट करिए। आज मुझे भी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करता हूँ, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करता हूँ और कस्टमर को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्केचअप एक करके सॉफ्टवेयर है जो आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, एक बेसिक सॉफ्टवेयर है स्केचअप, जिसमें काफी प्लगइन्स लगा के एक आर्किटेक्ट भी यूज करता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर भी यूज करता है, लेकिन हम सोलर इंडस्ट्री भी एक प्लगइन यूज करके स्केचअप को 3D मॉडलिंग बना के ऐसा सोलर पावर प्लांट हम अपने कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों काफी हमने लाइव सेशंस किए तो कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी निकले। ट्रेनिंग हम काफी सालों से करा रहे हैं लेकिन जब लाइव सेशंस के लिए कोई हमारे पास आता था तो उसको हम उस टाइम पे तो सिखा देते थे, लेकिन जब वो थोड़े दिनों बाद प्रैक्टिस करता था या बीच में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, एक महीने बाद फिर से वो सॉफ्टवेयर लेके बैठता था, वो नहीं कर पाता था। सॉफ्टवेयर के लिए याद रखिएगा, बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, जिस दिन पानी रुक जाए उस दिन कीचड़ हो जाता है। आज मैं भी इतने सालों से सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कर रहा हूं, अगर मैं 2 या 3 महीने या 4 महीने सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस नहीं करूं तो कमांड मेरे हाथ से जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर से उसको करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा तो वो चीजें मुझे याद आने लगेगी। तो बट मैंने जो एक लाइव सेशंस कराए तो उसके मेरे को रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले। हमारा केवल मेन उद्देश्य ट्रेनिंग प्रोवाइड करना नहीं है, ट्रेनिंग से आउटकम आना चाहिए, एक प्रोफेशनल आप एंटरप्रेन्योर बनने चाहिए, वो हमारा मिशन है, उसी मिशन के साथ हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली, हमने अभी रिसेंटली लाइव सेशंस कराए, अराउंड 15-20 लोगों को हमने एनरोल किया था, लाइव सेशंस कराए। लाइव सेशंस में देखा केवल 3 से 4 लोग ही आ पा रहे हैं, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो सबके साथ अलग अलग टाइम बॉन्ड रहता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद हमने कंक्लूजन निकाला कि एक हम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म डिजाइन करें जिसमें जो भी ये कोर्स करना चाहता है, जो भी ये 3D मॉडलिंग सीखना चाहता है, वो अच्छे से सीख सके और परफेक्शन हो पाए उसके हाथों पे, एक सारे कमांड आप अच्छे से सीख पाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वी हैव लॉन्च्ड अवर अ प्रोफेशनल 3D मॉडलिंग ट्रेनिंग ऑन स्केचअप सॉफ्टवेयर। हाँ जी दोस्तों, ये ट्रेनिंग हमारी लॉन्च हो चुकी है, हमारे प्रोफेशनल पोर्टल पे ये ट्रेनिंग को लॉन्च किया गया है, जिसमें 40+ सेशंस हैं। सारे सेशंस को एक छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड किया गया है ताकि आप कभी भी कोई भी चीज बनाना चाहें तो आप इन वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। केवल ये सोलर के लोगों के लिए फायदेमंद कोर्स है, जो लोग सोलर इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पहली बता दो, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके पास बेसिक नॉलेज है, साइट सर्वे कैसे किया जाता है, प्लांट को कहाँ पे इंस्टॉल करना है, बेसिक, इसमें बेसिक चीजें कुछ भी कवर्ड नहीं है, इसमें आपको पूरी चीजें बताई गई है कि आपको एक लेआउट कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज जो इसमें हम चालू करेंगे वो आपको सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करना है, सारे टूल्स के बारे में आपको बताया गया है, आप जो गूगल अर्थ से कैसे आप पूरा यूज कर सकते हैं, गूगल अर्थ के माध्यम से एक साइट सर्वे और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, शेडो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं साइट का, एक रूफटॉप कैसे बना सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स का क्या क्या फर्क पड़ेगा, सारे कंपोनेंट्स डिजाइन बाय डिजाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, बेस प्लेट कैसे बनेगी, स्ट्रक्चर के सारे कंपोनेंट, स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग भी इसमें बताई गई है कि पर्लिन की साइजिंग कैसे लेनी है, राफ्टर की साइजिंग कैसे लेनी है, कितनी लेंथ का राफ्टर होगा, कितने लेंथ के बाद आपकी पर्लिन आएंगी राफ्टर के ऊपर, कितने मॉड्यूल्स बाहर निकलेंगे राफ्टर से, सारी चीजें इस कोर्स में पूरा बता दिया गया, पूरा समझा दिया गया। मेरे पास जितनी नॉलेज थी मैंने इस कोर्स के माध्यम से आप सभी के लिए मैंने एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हर कोई इंसान ये 3D मॉडलिंग सीख सके। आपको केवल कंप्यूटर और एक माउस आपके पास रहेगा तो ये मेरी गारंटी है, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आप इस कोर्स को करेंगे और आपने ये केवल 40 सेशंस अटेंड कर लिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने 40 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया, अगर आपने 40 सेशंस को कवर कर लिया तो ये मेरी वीडियो बुक आपके पास हमेशा रहेगी। एंड सबसे पहली चीज, ये जो हमारा कोर्स है हमारी मातृभाषा हिंदी में बनाया गया है, आपको जितनी बार चाहे उतनी बार ये सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं हमारे, लाइफ टाइम के लिए कोर्स आपके पास रहेगा। हाँ जी, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा, आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा लाइफ टाइम, आप सुबह से शाम जब चाहे 24/7 आप जब चाहे आप इस कोर्स को कर सकते हैं, एंड जितनी बार चाहे उतनी बार आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपके पास आज टाइम नहीं है, आप 10 दिन बाद चाहे 10 दिन बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, आप सारी जानकारी हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको डेफिनेटली सोल्यूशन प्रोवाइड करे। तो दोस्तों, अगर आप सोलर बिजनेस की भी शुरुआत कर रहे हैं और आपको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म चाहिए कि मैं काम कैसे करूं, सारे पावर प्लांट की डिजाइनिंग इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, तो हमारा एक और कोर्स है, मोर देन 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हम इस कोर्स के माध्यम से अपने भारत में क्रिएट कर चुके हैं। अवर मिशन इज टू क्रिएट 1000 सक्सेसफुल सोलर स्टार्टअप्स इन इंडिया बाय 2021। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं सोलर की और भी इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आप सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप हमसे भी जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको टाइमली मिले, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि रेगुलर टाइमली अपडेट्स आपके पास मिलती रहे।